हेलो कुणाल, गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा। साहिल, गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। और बेटा ये अभी बच्चे काम आए, पता नहीं कैसे आज। बेटा प्रायोरिटी का आपको समझ में आया अच्छे से? अभी थोड़ी देर माइक ऑन रखते हैं, आप भी ऑन रखिए, और मैं थोड़ा देखना भी चाहूंगा आप सबको। आज कैमरा ऑन करोगे आप? पीसी से ले रहा हूँ तो कैमरा नहीं है इसमें। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा चलिए कोई नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ, अब जैसे हमने अभी तक 3 चैप्टर्स किए हैं, वेक्टर्स, 3D और प्रोबेबिलिटी। अभी 2 मोर चैप्टर्स विल टेक, तो मैथमेटिकल रीजनिंग। लास्ट टाइम मुझे बताया गया था कि ये 2 चैप्टर भी हैं जो हमें समझने हैं, और एक आपका स्टैटिस्टिक्स। बेटा इसको भी मैं कोशिश करूँगा कि आज हम लोग करें या फिर नेक्स्ट टाइम। मतलब एक तो चैप्टर हमें आज करना ही करना है, और दूसरा बेटा जैसे ये मैथमेटिकल रीजनिंग है और आपका स्टैटिस्टिक्स है, इनसे कंफर्म एक एक क्वेश्चन आता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और मतलब एक बारी कुछ और चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आए या ना आए, बट ये जो दोनों चैप्टर्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, कंफर्म इनसे क्वेश्चन आता है, तो इनको भी हम लोग आज देखेंगे। एक और बच्ची आई है, श्रेया। हेलो श्रेया, हेलो भगत सिंह, भगत। यस सर। हाँ बेटा श्रेया, आप सुन रहे हैं मुझे? श्रेया, यस सर। श्रेया आपकी वॉइस मेरे को आई नहीं वैसे। यस सर आ रही है। हाँ बेटा अब आई। और चलिए धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स हो गए। आज बेटा मैं थोड़ा सा इंट्रैक्शन, मतलब आपसे कैमरा ऑन के साथ भी करना चाह रहा था, तो जिनके पास भी कैमरा है प्लीज़ यदि आप ऑन करें। आई वुड लाइक टू सी यू। क्योंकि अब जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा प्लानिंग भी करनी है, रिविजन्स के बारे में बात करनी है, और हम लोग अच्छी रैंक कैसे लाएं, कैसे पेपर को अच्छे से हम लोग सॉल्व करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें इंट्रैक्शन भी करना है। क्यों बेटा, दिखता? हेलो दिखता, आज थोड़ा लेट आ रहे हैं बच्चे। मानस, बेटा मेरी वॉइस तो सबको क्लियर है ना अच्छे से? यस सर। चलिए हम अभी बातचीत करेंगे। तो बेटा कैमरा कोई नहीं खोलने को तैयार है? दिखता और साहिल ये कहाँ चले गए? अच्छा चलो अभी बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो पहले बेटा मुझे बताओ, किसी का कोई डाउट है वेक्टर्स में, 3D में, प्रोबेबिलिटी में?
इस बारे में? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैंने एक बार व्हाट्सएप नंबर भी दिया था एज आई रिमेम्बर। और वो मैं आज फिर से एक बार शेयर कर दूंगा आपके लिए कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स क्लास से पहले ही व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, तो हम लोग उसी को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और यदि मेरे पास थोड़ा टाइम बचता है तो मैं उसको अलग से भी आपको सॉल्व करके भेज सकता हूँ, ठीक है ना? तो कोई डाउट नहीं है बेटा किसी का भी? अबू यार, आपका कोई डाउट है बेटा? यस सर, अच्छा, तो अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो आपने वैसे बेटा यस ये कर लिए वेक्टर्स, 3D और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना आप सभी बच्चे? नहीं किया। अच्छा, तो एक बेटा हम ना, अब जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो थोड़ा ना हमें आगे की प्लानिंग करनी होगी। देखो, ऑनलाइन में हम लोग देखते हैं कि भाई एक ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस तो है ही है, आप समझते हैं इस बात को। और हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि आप तक पहुँचे जो भी मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल को पहुँचाने के बाद डिस्कशन के लेवल पर जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मान लीजिए जो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं उसमें माइक्रो लेवल पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है या एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन ही आपको नहीं आ रहे हैं, बाकी सब हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इंटरेक्शन से और आपसे आपस में बातचीत करके ही एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ में आया हो तो वो भी मैं एक बार डिस्कस करने को सोचूंगा और मतलब कराऊंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आप मुझे एक बार बताओ, वेक्टर्स में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको फिर से समझने की नीड है या फिर आप चाहते हैं उसे दोबारा से पढ़ाया जाए? क्यों बेटा बताओ? वेक्टर्स में बेटा, सर हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी में। अच्छा। और ये तो अभी तो बेटा क्वेश्चंस इसका मतलब करने के लिए बैलेंस है आपके पास ना, अभी क्वेश्चंस आप करोगे तब हम लोग चलिए एक बार एक प्रॉब्लम सेशन रख लेंगे। और लेकिन ना मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप ना मेरे को व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं एक बार लिखा देता हूँ व्हाट्सएप नंबर भी अपना, ये मैंने लिखवाया था बेटा 9711467051, ठीक स्क्रीन है ना? शेयर नहीं कर रही मैं। है बेटा? तो ये इस नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो पॉसिबल हुआ तो वो शो नहीं मैं हो रहा जो आपने देखा है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है मगर आपने जहां पे लिखा है वो नहीं आपने अभी खोल रखा है। आपने मीट खोल रखा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर सर आपने जहाँ पे अभी लिखा है वो खोल लीजिए। स्क्रीन एक मिनट, शेयर्ड है। शेयर है ना? अब देखना बेटा, सर आप देख पा रहे हो? आपने वो ओपन नहीं कर रखा है जहाँ पे आपने देखा है। ओपन नहीं कर रखा है? सर टेक्स्ट में लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में। अच्छा, अभी बेटा अभी
देखना आपके पास पहुंच गया होगा। यस तो 9711467051 इस पर आप लोग भेज सकते हो। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है क्या आपको आज? सर, इसे स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन शेयर हो रही है। दोबारा से करिए आप। अच्छा, मुझे टेक्निकली फिर किसी को बुलाना पड़ेगा। यदि देखना आप जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? आपने पावर पॉइंट ओपन नहीं कर रखा? एक मिनट सर, आपने शायद दूसरा आपने ओपन कर रखा है, आपने दूसरी विंडो शेयर कर दी। दूसरी विंडो शेयर हो रही है यस सर, गूगल वाली सर, शेयर हो रही है। जिस आईडी से आपका माइक्रोफोन कनेक्टेड है आप उससे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जिससे आप लिखेंगे उससे स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा, एक मिनट, रिस्ट रीशेयर कर लीजिए, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर कीजिए। मैं एक बार करता हूँ स्टॉप शेयरिंग करके। अच्छा, अब देखना बेटा, यस सर, अब हो रहा है। अब आ गया ना, यस सर, अब वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियरली दिख रही हैं। यस सर, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, सही कह रहे थे, मैंने वो शेयर दूसरी कर रखी थी। तो ये सभी ये नंबर लिख सकते हैं आप लोग, मेरा 9711467051। मेरा नाम तो याद है ना सबको, भूल गए? अच्छा, यस सर। बताओ किसको याद है? सचिन कुमार गुप्ता। ठीक है, यस तो सर, कोई नहीं, तो ये बेटा याद रखिए आप नंबर भी, और इस पर आप मुझे भेजेंगे ना। तो एक्चुअली क्या है, अब आप ये देखो, अब हम लोग जनवरी 22 पर खड़े हैं आज, और जनवरी 22 के बाद अभी चलो ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आया है मेंस का, आने में ही है, और शायद हो सकता है कि मंथ एंड तक आ जाएगा। जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा, मार्च तक, मार्च में फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अभी वो लोग ये जो वेव चल रही है इसकी वजह से भी शायद नहीं कर रहे हैं, तो मार्च में स्टार्ट तो होगा फर्स्ट अपने आप में। अब इसको लेकर हमारा, जैसे मान लो हम ये देखते हैं कि भाई, जैसे हमारा एक तो पार्ट होता है ट्रिगो, उसके बाद हमारा पार्ट है कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, फिर आ जाता है कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, एलजेब्रा, और फिर आपका वेक्टर्स एंड 3D प्रोबेबिलिटी। वैसे प्रोबेबिलिटी एलजेब्रा का ही पार्ट होती है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी एलजेब्रा का पार्ट होते हैं। एलजेब्रा अपने आप में काफी वाइड है। तो मैं ना, आप चैप्टर वाइज आपसे प्रेजेंटेशन चाहता हूँ कि भाई चैप्टर वाइज आप किस चैप्टर में कैसा कैसा फील कर रहे हैं, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ये सब मुझे थोड़ा सा आपसे जानना होगा बेटा। क्योंकि तो पहले इलेवेंथ लास्ट की टाइम रिवीजन करा दो। है बेटा रिवीजन, तो मैं कह रहा हूँ पहले इलेवेंथ के चैप्टर की रिवीजन करा दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 11। मैं ना वही तो उसी बारे में डिस्कशन में करना चाहता हूँ एक्चुअली, कि हम किस तरह से डिवीजन का पैटर्न रखें, रिवीजन का पैटर्न रखें। अब एक तो आपने बताया था मुझे लास्ट टाइम कि मैथमेटिकल रीजनिंग आप हमें करा दीजिए, और एक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद फिर एक कॉम्प्रिहेंसिवली। अब मुझे बताओ कि आप रिवीजन एलजेब्रा से स्टार्ट करना चाहोगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इस बारे में थोड़ा सा मुझे आप सब बताइए। कोऑर्डिनेट अलजेब्रा एलजेब्रा से भाई, जो एलजेब्रा के चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और बाइनोमियल थ्योरम, ये 5। और ये यो तो ये भी सारे पार्ट जो हैं, ये तीनों वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी, MND, ये भी एलजेब्रा के ही पार्ट मानिए आप। तो एलजेब्रा में अपने आप में 8 चैप्टर्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर्स आ जाते हैं, कैलकुलस
कैलकुलस में भी आप देखते हो कई सारे हैं, ट्रिगो में हैं। तो यदि हम एलजेब्रा से शुरू करते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी कैसी है वैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप कैसा देखते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट में हुई थी, दूसरे सर ने कराई थी अच्छा, सर, इसलिए पहले कोऑर्डिनेट करा दीजिए, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी हमने। कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस कम की थी। नहीं कोई नहीं, हम कोऑर्डिनेट से भी स्टार्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो एक तो ये है बेटा। अच्छा दूसरा, आपने एग्जाम कितने दिए हैं? मतलब जैसे मान लो, एग्जाम से मेरा मतलब है जैसे केल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू, केल्विन के इंस्टीट्यूट की ओर से आपने कितने एग्जाम लिखे हैं? जैसे कोई फेस टेस्ट है या कोई टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट आपने लिखे होंगे पक्का? यस यस सर, सर। अच्छा, तो वो मैं चलो पूछ लूंगा सौरभ सर से कि भी कितने कितने किस तरह से इनकी प्रैक्टिस हुई है और क्या परफॉर्मेंस भी रही है। चलिए, अच्छा डाउट्स पूछने के लिए आप क्या टेक मतलब क्या यूज करते हैं, कैसे अपने डाउट कैसे पूछते हैं? सर ग्रुप है टेलीग्राम पे। अच्छा, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है। चलिए, तो मैं व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम, व्हाट्सएप तो मैंने दे दिया आपको, टेलीग्राम भी मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो भी एक अच्छा टूल है अपने आप में कि हम टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर लें। क्योंकि अब ना मैं आपको ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई 2 महीने में, 2 महीने भी कहाँ है, यदि हम फर्स्ट एफर्ट के लिए देखें मार्च में किसी डेट में हुआ तो 1.5 मंथ है, और 1.5 मंथ में रिवीजन का टाइम मतलब काफी चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, रिवीजन में मैं करूंगा क्या, मैं आपको बताऊं, मैं जो फिलहाल अब आपके लिए सोच रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, फिर आप उसमें जो करेक्शन चाहें वो मुझे सजेस्ट जरूर करना। मतलब जैसे हमने मान लो कोई चैप्टर उठाया पैराबोला, ठीक है बेटा, अब मैं आपको पहले ही दे दूंगा कि भाई कल हम लोग पैराबोला का रिवीजन करेंगे, तो आप क्या करोगे, जो उसकी थ्योरी पार्ट है उसे आप क्लास से पहले पढ़ लोगे। थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद मैं आपसे चाहूंगा कि मेंस आर्काइव आप उसकी कंप्लीट कर लें। मेंस मतलब आप कहोगे फिर मैं क्या कराऊंगा इसमें रिवीजन, जब थ्योरी भी हम ही पढ़ लेंगे, मेंस आर्काइव भी हम ही कर लेंगे। है क्या कि जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो पक्का कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे मान लो आपको लगता है लेटेस्ट रेक्टम में कुछ गड़बड़ हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा बार बार। अच्छा, क्वेश्चन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए आर्काइव के करने के लिए कह रहा हूँ कि एक तो हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम में हमें एकदम ऐसी तैयारी करनी चाहिए जो बहुत ही क्लोज हो, जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं वो उसके बहुत क्लोज हो। तो हमारे लिए सबसे अच्छा करेक्शन है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करें, जिससे कि एक तो हमें क्लोज क्वेश्चंस मिलेंगे, दूसरा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपको एक एक फिल्टर लगेगा और फिर आप देखोगे कि यार मान लो पैरामीट्रिक पॉइंट के क्वेश्चन में हमें मुश्किल आ रही है या इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मुश्किल आ रही है, तो आप ना बहुत रिफाइन हो जाओगे, फिर आप मुझसे टारगेटेड चीजें पूछोगे। क्योंकि आप एक बात समझते हो, रिविजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मान लो मैंने पैराबोला उठाया, पूरी थ्योरी पढ़ाई, फिर क्वेश्चन कराए, तो फिर आपको करने का टाइम नहीं मिला। रिविजन का जो मेथड रहता है वो सही पूछो, क्योंकि मैंने आपको पूरा पढ़ाया नहीं है, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए, तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस तरह से तैयार हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप थ्योरी और मेंस आर्काइव करके आओगे, फिर जो जो चीज़ें मुझे बतानी है मैं वो भी बताऊंगा और जो आपको पूछनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये कैसा लगता है आपको, बताओ ये वर्क कर पाएगा कि नहीं, जो मैं टेक्निक सोच रहा हूँ? यस सर, या इसमें आप कोई करेक्शन चाहते हो तो मुझे सजेस्ट करो बेटा। भाई आप जिस तरह से चाहते हो वो मुझे बताओ। बताओ फिर, ये फाइनल रखें ना, हम इस तरह से करेंगे। सर चलो, आप भी करेंगे क्लास में क्वेश्चन? मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है आपकी, 1 मिनट। सर आप भी करेंगे क्लास में क्वेश्चन?
हाँ मैं भी कराऊंगा, जो रिवीजन वाली क्लास होंगी ना उसमें मैं क्या करूंगा कि कुछ मैं भी ये सोचूंगा कि जैसे मान लो पैराबोला है, तो मैं लगभग 10 या 12 क्वेश्चंस का कलेक्शन लाऊंगा अपने साथ, जिसमें से 7 या 8 क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर से उठाऊंगा मैं, जिसमें 4-5 एडवांस के होंगे, 4-5 मेंस के होंगे, जिन्हें मैं समझता हूँ कि हाँ इस एडवांस के क्वेश्चन से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं रिफाइन करके लाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन मैं अपने पास से लाऊंगा, तो एक चैप्टर में हम लोग कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का एवरेज रखेंगे मैं अपनी तरफ से, उसके बाद फिर आपके डाउट्स लेंगे बेटा। ये ठीक रहेगा ना, बताओ? यस यस सर। ठीक है, एक तो ये। तो चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग शुरू कर लें बेटा आज। यस और क्वेश्चंस जैसा कि आपने बताया कि अभी हमने किए नहीं है, तो वेक्टर्स, 3D और प्रोबेबिलिटी, बेटा ये क्वेश्चंस आप करिए, मुझसे प्रॉब्लम पूछिए। देखो आप पूछोगे तो मुझे तभी पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको, मान लो क्लासरूम में आप मेरे से पहले पढ़े होते या मैं आपको पहले से जान रहा होता, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर वो जब ऑनलाइन में कन्वर्ट होता है तो ठीक है, हो जाता है अच्छा जी, लेकिन अभी मेरा आपसे इंटरेक्शन सीधे ऑनलाइन हुआ है। अच्छा एक बात और है कि मैं थोड़ा सा मतलब ऑफलाइन मोड में ज़्यादा पढ़ाया है, तो इसलिए ऑनलाइन का मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग्स को। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे अपनी बात बिना किसी हेजिटेशन के रख सकते हैं, मैं आपकी बात अच्छे से सुनूंगा अभी, और उसको उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे से होगा मैं आपका सॉल्यूशन भी करूंगा, ठीक है ना? हम सब एक लेवल पर होते हैं बेटा, सब इस टाइम बराबर हैं, आप बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े बच्चे हो, अपनी बात अच्छे से रखो और मुझे बताओ कि हमें ऐसे ऐसे करा दो। अल्टीमेटली बेटा हमारा तो रिवार्ड यही है कि बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं, बच्चे जब रिजल्ट आते हैं, तो वही तो हमारा रिवार्ड है भाई। ठीक है पैसे तो मिलते ही हैं और उसी से जीवनचर्या चलती है ना, हम लोग डेली उसी से सबमिट करते हैं, लेकिन फिर भी एक टीचर का जो रिवार्ड है वो तभी माना जाता है कि जब बच्चे जो हैं वो उन्हें रिजल्ट ला के देते हैं, वो उनका ओरिजिनल रिवार्ड है, बाकी सब तो ठीक है, सबके साथ है कि नहीं? ये बात बताओ क्या कहते हो? यस तो हम अच्छे से बिल्कुल जैसे कि हम फ्रेंड्स हों ऐसे हम लोग रखेंगे अपनी बात एक दूसरे से, मैं भी आपको यदि कुछ कहना है तो कहूँगा और आपसे बात करते रहूँगा, और आप भी मुझसे अपनी बात बिल्कुल अच्छे से रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए तो आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? यस देखिए बेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग में ये पहले बूलियन एलजेब्रा के अंदर पढ़ाया जाता था, एनसीईआरटीज में भी था, लेकिन बूलियन एलजेब्रा नाम का चैप्टर तो खत्म कर दिया इन्होंने, अब इसको मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से आता है। और कंप्यूटर साइंस में भी आपने यदि पढ़ा होगा, बूलियन एलजेब्रा शायद उसमें है अभी भी, मुझे पक्का यस पता नहीं है। हाँ उसमें दो ऑपरेशन दिखाए जाते हैं, एक एडिशन के थ्रू, एक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो मल्टीप्लिकेशन वाला एंड से रिलेटेड है, एडिशन वाला और से रिलेटेड है, और गेट, एंड गेट, शायद आपने ये सब पढ़े होंगे सीएस में। सर तो ऐसे ही लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में बेटा हमें सबसे पहले जो टर्म पढ़ाई जाती है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट हम लोग किसे कहते हैं? एक होता है सेंटेंस और एक होता है स्टेटमेंट। बेटा सेंटेंस तो सभी होते हैं, गो देयर, कम हेयर, डू दिस, है ना, आई एम फीलिंग टायर्ड, ये सब सेंटेंस हैं, है ना, और वाटर इज कोल्ड, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ये सब सेंटेंस हैं। लेकिन एक सेंटेंस जिसको हम ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, अ स्टेटमेंट इज
अ सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, जिसे हम या तो ट्रू कह सकते हो या फॉल्स कह सकते हो. इफ इट इज ट्रू इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, कैपिटल टी, एंड इफ इट इज फॉल्स देन इट्स, कहेंगे अब भी ट्रूथ वैल्यू, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. तो ये बात आप अच्छे समझिए. अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू इट्स ट्रूथ वैल्यू. अच्छा बताओ बेटा, मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आने लगी है? नहीं, अभी भी प्रॉब्लम होती है. वैसे अब तो पास सात क्लास प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी. जैसे अच्छा अच्छा चलो अच्छा. वैसे बेटा हैंडराइटिंग मेरी शुरू से बहुत खराब रही है, क्या करूं, लेकिन देखो मैं कोशिश करता हूं फिर भी. एक दूसरा ये जो है ना, ये जो पेन पैड पे लिखना होता है, ये भी थोड़ा मेरे लिए नया था, लेकिन कोशिश करते हैं हम अच्छे से लिखें. एक्चुअली मैंने कल भी कोई क्लास ली थी पेन पैड पे, तो कह रहे थे कि वहाँ पे भी हैंडराइटिंग का, हैंडराइटिंग सर आपकी समझ में नहीं आ रही. मैंने कि चलो भाई थोड़ा और सुधार के लिखते हैं. आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा अलग से लिखा जाए, अलग से ठीक से. तो देखो ट्रूथ वैल्यू टी है, एंड इफ इट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. अब जैसे कोई हमने, अच्छा यूजुअली स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल पी स्मॉल क्यू आर, है ना, हम इस तरह के लेटर्स से इनको बेटा डिनोट कर सकते हैं. अब जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिया बेटा कि न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. अब ये एक सेंटेंस तो है ही भाई, इसमें सारी चीजें हैं सेंटेंस के, जो भी सेंटेंस के लिए रिक्वायर्ड है. तो न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मैंने स्टेटमेंट लिखा. लेकिन अब मुझे देखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में जाता है. क्या मैं इसको ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में कह सकता हूँ? आई थिंक यस. न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, आप बिल्कुल पक्का बताएंगे कि भाई ऐसा तो है ही नहीं. तो अब मैं क्या कहूँ फिर बेटा, ये स्टेटमेंट है कि नहीं? स्टेटमेंट तो है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे फिर आप? एफ. इसकी ट्रूथ वैल्यू हो गई फॉल्स, एफ हो गया. फिर मैंने एक और लिखा क्यू. सम ऑफ ऑल ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. फिर आप कहोगे कि भाई ये सेंटेंस तो है ही है, क्या ये स्टेटमेंट है? यस. क्यों है? क्योंकि हम इसकी ट्रूथ वैल्यू दिखा सकते हैं बेटा. इसकी ट्रूथ वैल्यू आप बहुत जल्दी से क्या कह सकते हो? टी कह सकते हो. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो गई, तो ये एक स्टेटमेंट है ही है. अब मान लीजिए मैं फिर से एक और ले लेता हूँ इधर थोड़ा सा आर. हमने कहा फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट. अब इस बात को सुन के कुछ तो एग्री कर सकते हैं और कुछ डिसएग्री हो सकते हैं. भाई कोई कह सकता है हाँ ठीक है फिजिक्स तो आसान ही है, लेकिन कोई कह सकता है नहीं भाई फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. मतलब डिफिकल्ट भी ना हो लेकिन आसान तो नहीं है. तो ये एम्बिगस केस बन गया ना बेटा. मतलब इसमें सभी की जो ओपिनियन है वो कॉमन नहीं हो सकती, तो ये एम्बिगस केस कहा जाता है. तो इसका मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. ना मैं इसे ट्रू कह सकता हूं, ना मैं फॉल्स कह सकता हूं. तो मैं क्या कहूंगा इसको? नॉट अ स्टेटमेंट. ये बात समझ में आ रही है बेटा आप सबको? फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट में हम लोग क्या कह पा रहे हैं अब,
कि नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि मैं इसकी ना तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू कह सकता हूं, ना ही मैं इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स कह सकता हूं। तो यहां तक की बात समझ में आई बेटा? अब आपको यदि एक सेंटेंस दिया जाए और पूछा जाए कि वेदर इट इज एन स्टेटमेंट और नॉट, तो आई थिंक अब आप बड़े आराम से उसको बता सकते हो। क्लियर है बेटा यहां तक? बताइए सभी बच्चे। यस सर। चलो तो बेटा स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई और ट्रूथ वैल्यू के बारे में भी हमें पता चला। फिर हम लोग इसमें लिखेंगे ऑपरेशन ऑन स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग मूव कर रहे हैं। ऑपरेशंस ऑन स्टेटमेंट्स। सबसे पहले ऑपरेशन ऑन स्टेटमेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिसजंक्शन, कंजंक्शन और आपका निगेशन। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। मैं इस चैप्टर को जरा अपने फोन में निकाल लूं एक मिनट। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये हमने सबसे पहले लिखा कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट। कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स या कंजंक्शन भी लिख सकते हैं आप इसमें, टू स्टेटमेंट्स का होता है वैसे। इसका बेटा सिंबल होता है ये, और इसको जनरली हम लोग एंड से कंपेयर कर सकते हैं। जो आप एंड पढ़ते हो ना सीएस में, और एक आपने इंटरसेक्शन पढ़ा होगा सेट्स में, इसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। क्या होता है कि व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद एंड क्वांटिफायर कह लो, या फिर हम लोग इसको एंड विद एंड, देन दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन हम लोग इसको कहते हैं जब इस तरह से हम लोग उनके बीच सिंबल लगाते हैं। एंड इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या पढ़ा जाएगा बेटा, कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा ये कैसे बनता है इसको थोड़ा सा देख लें हम लोग। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिया पी, और मैंने कहा यहां पर कि एन इज इवन नंबर। फिर मैंने एक क्यू लिया और बोल दिया एन स्क्वेयर इज इवन नंबर। अब जरा इसको बुला के दिखाते हैं। देखो अब या तो ये कह लो कि एन इज इवन नंबर एंड एन स्क्वेयर, तो बहुत सिंपल सा लगेगा। हम इसको ऐसे करके कर देंगे, एन एंड एन स्क्वेयर बी इवन नंबर। और भी कई तरह के कनेक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 5 इज अ प्राइम नंबर, दूसरा मैं कह दूं 7 इज प्राइम नंबर, और फिर एंड से ऐड कर दूं 5 एंड 7 भी प्राइम नंबर। सही है, लेकिन मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि यदि मान लीजिए हम दो स्टेटमेंट को एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसकी रिजल्टिंग वैल्यू, जैसे ये ट्रू है मान लीजिए, मैंने इसको ट्रू कहा होगा तो ये भी ट्रू रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
लेकिन यदि इनमें से मैं एक फॉल्स कह दूं, जैसे एन इज इवन नंबर और उधर कह दूं एन स्क्वायर इज ऑड नंबर, और फिर कैसे कहूंगा कि एन इज एन इवन नंबर एंड एन स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, ये तो गलत हो गया भाई। आप एक साइड तो कह रहे हो कि एन एक ट्रू, मतलब एन एक इवन नंबर और उसको आपने ट्रू डिजाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जब हम लोग दो स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग वैल्यू तभी ट्रू होती है व्हेन ऑल द कंटेंट स्टेटमेंट हैव देयर ट्रूथ वैल्यूज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मैं यहां लिख देता हूं इस बात को कि रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट आफ्टर कनेक्टिंग दैम एंड इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑफ द इन्वॉल्व्ड स्टेटमेंट्स हैव देयर ट्रूथ वैल्यू ट्रू। रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट आफ्टर कनेक्टिंग दैम एंड इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑफ द इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स हैव देयर ट्रूथ वैल्यू ट्रू। बेटा एक काम करते हैं, हम लोग ना इसकी एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से, जैसे यहां मैंने पी लिख दिया, यहां क्यू के लिए कॉलम बना लेता हूं, ये तो देखो पी है ये क्यू है और यहां मैं इनके रिजल्ट। अच्छा एक बात देखो, जो पी है उसके दो दो हमारे पास वैल्यू हो सकते हैं ट्रू फॉल्स, क्यू के भी दो वैल्यू हो सकते हैं ट्रू फॉल्स, तो इनके फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। लिखने का मेथड क्या रहेगा, पहले पी को दोनों ट्रू दे दीजिए, दोनों फॉल्स दे दीजिए, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ये चार कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो फिर से बताना चाहूंगा, पी का मैंने ट्रू पिक किया और ट्रू का दोनों से कॉम्बिनेशन लगाया, टी 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 एफ, फिर एफ उठाया, एफ का दोनों से कॉम्बिनेशन लगाया। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए मेरे पास पी क्यू आर थ्री स्टेटमेंट्स होते तो उनको लेकर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते थे बेटा वो एट हो सकते थे, मैं समझता हूँ। बताओ क्या कहते हैं आप, कितने यस कॉम्बिनेशन होते हैं? एट होते हैं ना, और उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अब ये बताओ, जैसे यहां पर ये बेटा कंजंक्शन है इन दोनों स्टेटमेंट्स का, तो टी और टी का कंजंक्शन कितना आएगा, टी आएगा, क्योंकि तो मैंने कहा था कि जब दोनों इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स अपनी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू देते हैं तो उनका कंजंक्शन ट्रू होता है और अदरवाइज फॉल्स। यहां पर मैं इस बात को मेंशन कर देता हूं, अदरवाइज फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू का फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आएगा। मतलब आप इसे क्लियरली प्रैक्टिकली देख सकते हो। मान लो मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये ट्रू है। फिर मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 70 डिग्री, तो वो अपने आप में फॉल्स है, और ऑल ऑफ द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये ट्रू है। अब जरा इसको कनेक्ट कर दो एंड से और बोलो दोबारा से कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ एंड मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल इज 70 डिग्री, तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट को तो आप फॉल्स ही कहना चाहोगे ना बेटा। अब चाहे वो फॉल्स पहले कह दो चाहे बाद में कह दो, तो दोनों का फॉल्स आएगा, और दोनों फॉल्स हैं फिर तो फॉल्स होना ही होना है एंड के केस। तो मुझे बताओ बेटा, कंजंक्शन ऑपरेशन क्लियर है आप सबको, जिसका यस सिंबल ये है, बहुत अच्छे से देख लें बेटा, ये सिंबल है, वेरी गुड, और ये क्या है उसका नेम, कि भाई ये हम लोग किस नाम से जाने इस ऑपरेशन को, ये एंड से रिलेटेड है। और यदि मैं उससे कहूँ कि इसका सेट में कनेक्शन क्या था, तो सेट में जैसा इंटरसेक्शन में होता है, आप ध्यान करो कि इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट कब आता है, जब वो दोनों में होना चाहिए, यदि किसी एक में है तो नहीं होगा, दोनों में है तो हो जाएगा। तो ये ध्यान से आप समझ लें, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें, नो सर वेरी गुड। तो
तो अब हम लोग कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट समझ चुके हैं, इसके बाद हम लोग डिसजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स पर जाएंगे। नेक्स्ट बेटा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्लाइड, डिसजंक्शन। ऑफ स्टेटमेंट्स, डिसजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स ये बेटा इस तरह से लिखा जाता है, सेट्स में इसका सब्स्टिट्यूट यूनियन होता है और हम इसे इस नाम से जान सकते हैं और के नाम से। यदि मैंने यहां पर ये कहा P, तो मैं इसको पढ़ा करूंगा P और Q या P डिसजंक्शन Q। P और Q यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स हैं और यहां पर लिख लीजिए कि इट हैज इट्स ट्रूथ वैल्यू फॉल्स only when all of the involved statements have their truth values false, मतलब अब otherwise true, तो देखा जाए तो बेटा यूनियन से कितना कनेक्टेड है आप देखो। मैंने जैसे हम जब प्रोबेबिलिटी भी कर रहे थे तब भी ये बात कही थी आपसे कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो एक एलिमेंट एट मेथड से इनमें आया जा सकता है, इन तीनों सेट्स में, तीन सेट्स के यूनियन में। तो एक ही ऐसा मेथड हो सकता था जब वो ए यूनियन बी यूनियन सी में नहीं आएगा, जब वो किसी में ना हो। बाकी तो सेवन मेथड्स बताए थे मैंने आपको एक वेन डायग्राम करके कि भाई सेवन मेथड्स से वो उसमें जा सकता है तीन सेट्स के यूनियन में। आप देख रहे होंगे, देखो एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, कहीं भी एलिमेंट रखा हो वो यूनियन में लिखा जाएगा, बस यहां पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यहां पर है कि आपके पास जितने कॉम्बो हो ठीक है, वो फॉल्स केवल तभी देगा जब उसमें सारे इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स अपनी ट्रूथ वैल्यू को फॉल्स देते हो, अदरवाइज तो वो ट्रू रहेगा। इसका मतलब कोई मुझसे कहेगा कि भाई अब जल्दी से जरा इसकी ट्रूथ टेबल भी बना देते हैं, इस बेटा इस कंस्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल, इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये पी और क्यू है, यहाँ ट्रू ट्रू, ये फॉल्स ये फॉल्स, फिर यहाँ पर ट्रू यहाँ फॉल्स, यहाँ पर ट्रू यहाँ फॉल्स, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेंगे। ये कंफर्म ट्रू आने वाला है, ये भी ट्रू आने वाला है, ये भी ट्रू आने वाला है, लेकिन ये फॉल्स आएगा। अच्छा ऐसा क्यों है कि ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन भी ट्रू दे रहा है, क्योंकि मैं इसे और से कहूंगा, है ना। मान लो मैंने आपसे कहा कि एक स्टेटमेंट है पी और एक है क्यू, जिसमें पी एक स्टेटमेंट है कि फाइव इज एन फाइव इज एन ऑड नंबर, और यहां पर मैंने कहा सिक्स इज एन ऑड नंबर। अब आप जान रहे होंगे कि ये तो बेटा अपने आप में ट्रू है, ये फॉल्स है। अब मैंने इसको और से कनेक्ट किया, सॉरी ऐसे करके, और इसको लिख के बताया, कैसे लिख के बताया, फाइव इज एन ऑड नंबर और सिक्स इज एन ऑड नंबर, फाइव इज एन ऑड नंबर और सिक्स इज एन ऑड नंबर, तो मीनिंग तो क्लियर है बेटा। वो ये कह रहा है कि या तो इस बात को सही मान लो या इस बात को मान लो, तो हाँ ये बात तो है सही, फाइव इज एन ऑड नंबर, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग इसलिए ट्रू रख देते हैं, है ना। जैसे आप तीन भी स्टेटमेंट रख देंगे और उसमें से दो फॉल्स हो जाएं, एक ट्रू है, तो भी उसका रिजल्टिंग स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा बेटा वो ट्रू लिखा जाएगा। फोर हैं आपके, तीन फॉल्स हैं, एक ट्रू है, तब भी उसका रिजल्टिंग स्टेटमेंट ट्रू लिखा जाएगा। तो इस पूरे जो हमने ये थॉट लिखा, इसको आप इस तरह से बेटा अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ ये क्लैरिटी में है बेटा, समझ में आती है बात अच्छे से, डिसजंक्शन को लेकर। यस सर। हाँ
बहुत आसान है ये चीजें, और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको इसको तैयार करने में। कंफर्म एक क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि अब आपको 24 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, एक क्वेश्चन तो आज कंफर्म हो जाएगा। तो ये हम लोग फिर नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहे हैं बेटा। डिसजंक्शन एकदम क्लियर है, और से कनेक्टेड है, यूनियन से कनेक्टेड है, ऐसे याद रखोगे ना तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। डिसजंक्शन इज फॉर यूनियन, कंजंक्शन इज फॉर इंटरसेक्शन, ऐसे बेटा। चलिए अब हम थर्ड ऑपरेशन समझते हैं इस पर। थर्ड ऑपरेशन है इसका निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। तो ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है बेटा कि निगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या हो सकता है। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट में एकदम क्लियरिटी है कि हमें जो भी बात कही जाएगी हमें उसको डिनाय करना है, उसका डिनायल मोड लिखना है। देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम केवल उस कही हुई बात का डिनाय करते हैं, हम करेक्शन नहीं करते उसमें। मान लो मैंने आपको सबसे पहले स्टेटमेंट का जो एग्जाम्पल आज दिया था वो कहा था कि भाई न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप बस उसको क्या लिखोगे, निगेशन कहोगे इसका कि इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, या ये कहोगे इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, या ये कहोगे इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब इन दोनों में से आप कोई भी कह सकते हो, या यू कह सकते हो कि न्यू दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, बस इतना कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कहोगे कि भाई न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। हमें करेक्शन नहीं करना होता है, जो कही हुई बात है केवल उसको हम डिनाय करते हैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा कि डिनायल, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं इस बात को कि डिनायल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, डिनायल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स निगेशन, डिनायल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स निगेशन, निगेशन कहा जाता है। जैसे इफ P is an statement, P is an statement, then its denial or negation is denoted by this symbol, है ना? This symbol. ये सिंबल पहले से आप अवेयर हैं अपने आप में, सिमिलर ट्राइंगल्स में आप इसका यूज कर चुके हैं। तो निगेशन ऑफ पी ए लिखा जाता है बेटा। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, जैसे मान लीजिए अब तो मैं एक ही स्टेटमेंट इन्वॉल्व कर रहा हूं तो उसके दो ही आउटकम होंगे टी और एफ। यहां हम लोग निगेशन ऑफ पी लिखेंगे तो जहां टी था वहां तो एफ हो जाएगा, जहां एफ होगा वहां टी होगा। क्योंकि मान लो मैं आपसे कहने लगूं, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा पी और फिर मैं आपसे कहता हूं 50 इज लेस देन 100, ये स्टेटमेंट पी है। मैंने मतलब वर्डिंग्स में नहीं लिखा, इस बार सिंबलिकली लिख दिया, एक स्टेटमेंट है पी और मैं आपसे कह रहा हूं 50 लेस देन 100, तो आप मुझे बताइए कि इसकी ट्रूथ वैल्यू फिलहाल क्या है, टी है। और जैसे ही आप इसका निगेशन लिखेंगे बेटा तो आप क्या लिखोगे, आप यही तो लिखोगे नॉट 50 लेस देन 100, यदि आप सिंबलिकली लिखना चाहते हैं। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आप क्या कह रहे हो, आप गलत ही तो कह रहे हो, इसका मतलब आप गलत कह रहे हो, पहले सही कह रहे थे। आपने कह दिया कि नॉट 50 लेस देन 100, जबकि 50 लेस देन 100 होता है। और वर्डिंग्स में ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए अ सर्किल हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स, अ सर्किल हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स। अब हम ये नहीं सोचेंगे यार इनफाइनाइट डायमीटर्स का मतलब ये तो नहीं कि उसके बहुत तरह के डायमीटर होते हो कि भाई किसी की लेंथ कुछ है किसी की लेंथ कुछ है, वो नहीं सोचेंगे, वो गलत है। अ सर्किल हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स, ये बात बिल्कुल सही है, एक सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर्स ही होते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं उसके सेंटर से जो भी कॉर्ड गुजरेगी वही डायमीटर बन जाएगी, और एक पॉइंट से जाने वाले स्ट्रेट लाइन तो इनफाइनाइट ही होते हैं बेटा, तो ये सब इनफाइनाइट डायमीटर्स हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है मेरे पास? इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है। अब जैसे ही आप क्यू पर जाओगे तो क्या कहोगे? इट इज नॉट ट्रू दैट अ सर्किल हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स। इट इज मच बेटर टू इन्वॉल्व दिस स्टेटमेंट कि इट इज नॉट ट्रू दैट, ये सेफ होता है थोड़ा सा। अब क्यों सेफ होता है ये मैं आगे भी क्लियर करूंगा। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि इट इज नॉट ट्रू दैट अ सर्किल हैज इनफाइनाइट डायमीटर्स। तो अब इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइनाइट, ओ सॉरी, फॉल्स हो जाएगी। तो आप निगेशन को अच्छे से समझिए कि निगेशन का मतलब है जो सैड थॉट है, जो सैड स्टेटमेंट है, उसको बस डिनाय करना, विल नॉट मेक अ करेक्शन देयर। अच्छा, एक तो कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे होते हैं जो एक एक एलिमेंट पर बेस्ड, जैसे अ सर्किल हैज, या यहाँ 50 लेस देन 100, कुछ ऐसे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये था बेटा, एक एग्जाम्पल ये है, और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा, इन इसी शीट पे बता देता हूँ। जैसे एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर देख लिया, लिखा कि एवरीवन इन कॉलोनी वाज एफ्रेट। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। एवरीवन, ओहो, एवरीवन इन कॉलोनी, एवरीवन इन कॉलोनी वाज एफ्रेट। अब एक बात देखो, जब हम लोग इसका निगेशन बनाएंगे तो एवरीवन का मतलब है, मान लो हो सकता है कॉलोनी में 100 लोग रहते हो, और 100 में से एवरीवन अप टू 100 वो सब इंडिविजुअल लेवल पर डरे हुए हैं, एवरीवन, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मीनिंग तो यही है, एवरीवन इन कॉलोनी वाज अफ्रेट। अब निगेशन मना कर रहा हूं। एक बात बताओ, यदि एक भी पर्सन ऐसा निकल आया जो डरा नहीं था, तो ये हमारी बात तो डिनाई हो गई ना, क्या कहते हो बेटा? हाँ, तो एवरीवन का निगेशन ये ना निकाला जाए कि नो वन इन कॉलोनी वाज अफ्रेट, क्योंकि फिर आपने तो ये कहा कि भाई या तो सभी डरे हुए थे या कोई भी डरा हुआ नहीं था। तो आपने तो एक तरह से इंग्लिश का यूज ज्यादा कर दिया। हमें तो मना करना था, बस इस बात को मना करना था कि सभी डरे हुए नहीं थे। तो फिर अब आप पूछोगे फिर हम लिखें क्या, क्योंकि आते इसी तरह के क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकली हम लोग देख पाए। ये तो बेहद सिंपल है, इसको जनरली नहीं पूछते। तो मैं अब क्या कहूं? मैं कहूंगा कि एटलीस्ट वन इन कॉलोनी वाज नॉट एफ्रेट। अब देखो, ये बात समझने की कोशिश करते हैं हम अच्छे से। यहां तो मैंने कहा था कि सभी कॉलोनी में डरे थे, और मैंने बस एक को पकड़ लिया। अब एटलीस्ट से मुझे क्या फायदा हुआ कि एक से तो मुझे शुरुआत करनी करनी थी। अब एटलीस्ट की कोई लिमिटेशन तो होती नहीं है, इट गोज ऑटोमेटिकली अप टू एटमोस्ट। तो वन भी कॉलोनी में ऐसा हो सकता है जो डरा ना हो, और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अब तो 100 भी हो सकते हैं। तो ये इट इज मच सेफ, ये अच्छा है, मतलब ये एग्जैक्ट भी है। तो एवरीवन के लिए आप एटलीस्ट का यूज करें। समझ में आई बेटा बात? यस हाँ, मैं भी एक दो स्टेटमेंट और लेना चाहूंगा, पहले आप इसे समझ लें अच्छे से और लिख लें जहां भी आप लिख रहे हो। और भी अभी मैं इस पर एक दो एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। समझ लिया है अच्छे से? मैं अब नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूं। देखिए, ओके सर। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मैंने फिर से एक स्टेटमेंट लिया, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास
वर सीरियस। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास वर सीरियस। तो अब मुझे इसका निगेशन बताना है, तो वैसे अब आप, मैं समझता हूँ जल्दी से बता पाओगे। बेटा ये मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा, बताइए। At least one student in the class was not serious. Very good, very good. एकदम बढ़िया। At least one student in the class was not serious. एकदम ठीक। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा बेटा। स्टेटमेंट इस बार मैंने क्यों से लिखा, यहां पर अब ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, और जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल्स में मोस्ट में थोड़ा सा अलग आ जाता है, जैसे मोस्ट पीपल प्रीफर टी, देन कॉफी। अब बेटा मोस्ट पीपल प्रीफर टी देन कॉफी, अब इसका निगेशन लिखना है आपको। अब इसमें ज्यादा सेफ कौन सा स्टेटमेंट रहेगा, हम लोग कैसे मना करें इस बात को, मतलब इंग्लिश का यूज ज्यादा करें या फिर मैथमेटिकल समझ का करें। जब कहीं फंस जाओ ना तो वही बात याद रखना, क्या इट इज नॉट ट्रू दैट। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कोई और वर्ड निकाल सकते हो बेटा इसके लिए, मोस्ट पीपल प्रीफर टी देन कॉफी। करेक्शन नहीं करना, डिनाइल करना है। डू नॉट लगा के Not to prefer tea than coffee. मतलब मोस्ट को रखना चाहोगे ना। Yes. अब देखो अब हुआ क्या, यदि आपने मोस्ट भी रखा और डू नॉट रखा बेटा, यहाँ फंस जाओगे आप। क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे थे वही वाली बात हो जाएगी जैसे एवरी वन और नो वन वाली, आप एकदम जो हमारा मिडिल था yes, ना sir. उसके इस पार से दूसरे पार चले गए, बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले गए। इधर तो हम कह रहे थे मोस्ट पीपल मतलब बहुत सारे लोग हैं जो प्रीफर करते हैं, फिर आपने मोस्ट पीपल डू नॉट का मतलब है कि एकदम इसका कन्वर्स हम उधर चले गए, मतलब ऐसे तो लोग ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ बेटा मोस्ट पीपल डू नॉट प्रीफर में थोड़ा सा कमी रहेगी और इट मे नॉट बी द आंसर पार्ट। हाँ हाँ बताओ बेटा, कुछ बता रहे थे। सम पीपल आएगा क्या? सम कर सकते हैं, सम पीपल कर सकते हैं, वो मैं अलाउ करता हूं, है ना। मोस्ट को सम से यदि हम कर देंगे तो मान लो मैं और आप डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा यार मोस्ट पीपल प्रेफर टी, मैंने कहा नहीं नहीं सम पीपल प्रेफर टी, इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां ज्यादा के लिए कह रहे थे कह मैं भी रहा हूं यहां करते हैं, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसमें बिल्कुल पंगा ना लें और क्या लिखें, इट इज नॉट ट्रू दैट मोस्ट पीपल प्रीफर टी देन कॉफी। हाँ अगर जो ऑप्शंस है फिर तो भाई आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन किसी को लिखना हो तो आप इट इज नॉट ट्रू दैट इसमें मच सेफर। समझ में आई बेटा बात? यस सर। हाँ फिलहाल मैं सम वाला ऑप्शन यहां पर लिख देता हूं। और भी एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज वेरी मच फास्ट।
इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज वेरी मच फास्ट, ये मैंने आपको दिया। और सॉरी, अब यहां बेटा, यहां आप क्या प्रीफर करेंगे ये भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा। नो करेक्शन ओनली डिनायल। इज समवॉट फास्ट, और या फिर सर वेरी मच हटा देंगे। वेरी मच हटा के तो बेटा, वेरी मच बस एस्केलेट कर रहा है फास्ट को, लेकिन अभी भी वो फास्ट तो रहा ही, जबकि हमें इसको मना करना है। फास्ट का स्लो हम कर नहीं सकते सर। कॉमन इट इज नॉट ट्रू दैट। एकदम सही बात। इट इज नॉट ट्रू दैट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज वेरी मच फास्ट, ठीक है ना? क्योंकि फास्ट का स्लो नहीं कर सकते अपन। फास्ट का स्लो कर दिया तो वो फिर दूसरी बात हो गई। एकदम सही, इट इज नॉट ट्रू दैट। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस के साथ हम लोग नहीं चल रहे थे। इट इज नॉट ट्रू दैट। हाँ, एग्जामिनर यदि मैं सोचूं यार पता नहीं ऑप्शन कुछ और तो नहीं होगा क्या, तो यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज नॉट सो फास्ट, मतलब यदि कहीं मुझे मतलब लगता है कि थोड़ी बहुत यदि पॉसिबिलिटी बनती है तो यहां इन वर्डिंग्स को हटा के वो सिर्फ इनको यूज कर सकता है, मतलब ये भी अलाउड है। मैं आपसे कहूंगा, आप समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक तरफ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आपने अपनी बात रखी कि यार वेरी मच फास्ट है। अब मैं आपको बिल्कुल खत्म नहीं करना चाह रहा, इस बात को काटना नहीं चाह रहा, बस मैं कह रहा हूं कि नहीं, वेरी मच नहीं है, नॉट सो फास्ट। मतलब मैंने आपकी बात को डिनाई भी कर दिया और अपनी बात भी रख दी। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूं दोनों चीजें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में वो इट इज नॉट ट्रू से बनाए, क्योंकि निगेशन पे मैंने क्वेश्चन देखा है, इसके आने के चांसेस 60% मानिए आप, मतलब निगेशन पे, क्योंकि ना करने के लिए काफी कुछ होता है, ना कंजंक्शन में इतना कुछ है, ना डिसजंक्शन में इतना कुछ है, कंजंक्शन इसमें निगेशन में थोड़ा सा स्कोप रहता है, तो वो लोग इसको कई बार दे देते हैं, तो इस पर हमें ध्यान रखना है। और ये मैं आपको दो चीजें एक बार फिर से बता रहा हूं कि हमें सिर्फ डिनाइल करना है, हमें उनकी बात को करेक्ट नहीं करना है, चाहे उन्होंने कुछ भी दे रखा है, बस उस बात को मना कीजिए, करेक्ट मत बनाइए। डन बेटा? यस, ठीक। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट शीट पर जाते हैं। और अब जैसे हमने तीन ऑपरेशन सीख लिए बेटा, एक बार फिर से जरा बता दें, ये कंजंक्शन था, ये डिसजंक्शन था और ये निगेशन था। यदि मैं सेट्स के वे में देखूं तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, ये हमारे पास यूनियन होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट होता है सेट लैंग्वेज में। तो इनसे रिलेटेड ना कई सारे ऑपरेशन आ सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैं इन सेट में ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, ए यूनियन बी का डैश, तो आपको याद होगा हम इसको लिखते थे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है। तो ऐसे यदि मैं आपसे कहूं कि भाई निगेशन ऑफ ए डिसजंक्शन बी, तो इसका आंसर बताना, तो ये निगेशन दोनों पर आ जाएगा और यहां ऐसे करके आ जाएगा। बेटा समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ, लेकिन मैं एक मिनट मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, ये ए और बी नहीं लेने चाहिए मुझे, ये स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है इसके लिए, मुझे यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज करने चाहिए, क्योंकि आप जिस भी ऑथर की बुक में देखोगे वो स्मॉल लेटर से यूज करते हैं, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा, फिर तो आप ये भी मुझे बता दोगे, निगेशन ऑफ पी और मैं यहाँ कंजंक्शन कह दूं तो भी आपको ध्यान आ गया होगा, ये निगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? और क्या लिखूं, आप डिसजंक्शन लिख दूं? डिसजंक्शन, गुड, ऐसे करके आप लोग लिख देंगे। एक ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे बेटा, निगेशन ऑफ पी, मैं पी लिख सकता हूं ना, क्योंकि ए डैश का होल डैश जब आपके सामने आता था तो आप उसे ए लिखते थे, आप याद होगा आपको, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही यदि मान लो मेरे पास ये स्टेटमेंट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता था, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव से मेरा मतलब है कि एसोसिएटिव, फिलहाल मैं एसोसिएटिव लिखवा रहा हूं,
ये हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इसमें देख सकते हैं, और इसमें ना एक दो को हम लोग ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी करेंगे। जैसे बेटा यहाँ बताओ पहले मुझे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आपको ध्यान है क्या होता था? आप ऐसे करके करते थे ए इसको, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वेरी गुड, ऐसे ही से कर दो बस। अब यदि मान लो मैं आपसे कहूं पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, तो नो प्रॉब्लम। तो काफी हद तक ये ना सेट्स से जुड़ा हुआ है, वो हमें ध्यान है तो हम लगभग सभी को कर लेंगे इनको। तो ये 4 और 5 रूल आप इसके साथ में, इन ऑपरेशंस के साथ में लिख लें। मैं यहां इस वाले रूल को, रूल 1 को ट्रुथ टेबल के थ्रू भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इससे हमें एक तो ऑपरेशन भी समझ में आएगा कि भाई हम लोग ऑपरेशन कैसे बनाया करेंगे। देखो बेटा, जैसे हमने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा पी, फिर लिखा क्यू, पी का निगेशन, क्यू का निगेशन, फिर ये लिख दिया और निगेशन पी, डिसजंक्शन कंजंक्शन निगेशन क्यू। थोड़ा सा बेटा अंदर चला गया है, ऐसे करके। तो यहां कॉम्बो क्या थे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां कॉम्बो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब निगेशन पी का मतलब क्या है, ये फॉल्स ये फॉल्स, ये ट्रू ये ट्रू। निगेशन क्यू का, यहां फॉल्स यहां ट्रू, यहां फॉल्स यहां ट्रू। अब पी और क्यू के लिए जो हमारे पास डिसजंक्शन है वो हमें पता ही है, यहां पर ट्रू आएगा, यहां पर भी ट्रू आएगा, यहां पर भी ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू का, फॉल्स फॉल्स का सिर्फ फॉल्स होता था। अब निगेशन पी और निगेशन क्यू का हमें एंड देखना है, एंड। तो जब मैं यहां पर एंड लिखूंगा तो एफ और एफ का एंड तो एफ ही आएगा, क्योंकि एंड में जब भी ट्रू होता था तब वो जब दोनों ट्रू हो, तो यहां भी एफ आ जाएगा, यहां भी एफ आ जाएगा। टी और टी का एंड जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। अब जरा एक थोड़ा सा जगह कम थी, अब मान लो मैं यहां पर निगेशन और कर लूं इसका, तो निगेशन ऑफ पी दिस, तो बेटा तीनों जो ट्रू हैं वो तो फॉल्स में चेंज हो जाएंगे, और जो ये फोर्थ वाला फॉल्स है ये ट्रू में चेंज हो जाएगा। अब जरा ये कॉलम और आप यूं समझो कि सबसे लास्ट में ऐड कर लो, तो इन दोनों को आप यदि मिलाते हो और मुझे बताओ कि ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये कॉलम देखो, और निगेशन ऑफ पी और क्यू ये कॉलम देखो, ये दोनों सेम आ रहे हैं। यस सर, मैच हो रहा है, मैच कर रहे हैं। तो कई बार ना ये लोग क्या करते हैं कि आपको दो लॉजिकल स्टेटमेंट दे देंगे, इनको हम लोग पता है क्या कहते हैं, अभी मैं लिखवाऊंगा, खैर लॉजिकल स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं, और वो आपको कहेंगे कि भाई ऑप्शन में दे दिए कि विच विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो उसमें दो लॉजिकल स्टेटमेंट को हो सकता है वो कुछ नया सा बना के दे दें हमें जो हमारी प्रैक्टिस में ना हो। तो वी हैव दिस टूल ट्रुथ टेबल, इस कंप्लीट को क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम दोनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू निकाल लेंगे फाइनल कॉलम की, अगर जो वो मैच कर रही है तो वो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए बेटा। मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी इसको क्लियर करने में। यस सर, 11th की सी है सर पूरी। हाँ, 11th में आपने जो पढ़ा होगा उसमें ज्यादातर स्टेटमेंट से ही पढ़ा होगा बस, या ट्रुथ टेबल ही पढ़े थे बेटा? सर नंबर सिस्टम पढ़ा था ना चैप्टर, उसमें था पूरा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए। तो अब बेटा तीन ऑपरेशन हमारे क्लियर हो गए, अब हम लोग नेक्स्ट शीट पर चल रहे हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बेटा कंडीशनल हम लोग किसे कहते हैं, जैसे मान लो लेट पी एंड क्यू बी टू स्टेटमेंट्स देन, नंबर एक इज सेट टू बी इफ पी देन क्यू, और इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें एक कंडीशन है बस। कंडीशनल स्टेटमेंट दूसरा ये आप इसे याद रखिए। ये बेटा बस कई बार ना कुछ ऑथर इसको ऐसे इस एरो को ऐसे भी लगा देते हैं, कुछ ऐसे ये बाई कंडीशनल के लिए है ये वाला। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इज सेट टू पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब पी से क्यू भी ट्रू होना चाहिए और क्यू से पी भी ट्रू होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, नेसेसरी एंड सफिशियंट वाली जो कंडीशन होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये आप अच्छे से पहले इनका नोटेशन समझ लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल, इसको कहते हैं बाई कंडीशनल। अब इसको लेकर टेबल क्या है और कैसे हम लोग इसका कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं वो भी हम समझाते हैं। देखो आपको जैसे मान लो ये पी है, ये क्यू है, और ये इफ पी देन क्यू है, और चलिए इसको एक साथ बड़ा सा ले लेते हैं, ये पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या आई डबल एफ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन फिर से क्या होंगे बेटा, यहाँ ट्रू यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या होता है, ट्रू ट्रू पर बेस्ड हो सकता है। मैं अभी इसको वैसे डिटेल में समझाऊंगा, पहले मैं एक मिनट वैल्यू लिख दूं। ट्रू कैन राइड ओवर ट्रू, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू आएगा, मतलब आपने जो कंडीशन लिखी इफ के साथ वो भी ट्रू लिखी और रिजल्ट भी ट्रू लिखा, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। लेकिन ट्रू फॉल्स पे माउंट नहीं कर सकता, आपने कंडीशन तो ठीक लिखी, आपने पहला स्टेटमेंट जो इफ के साथ लिखा वो तो ट्रू था, लेकिन जो रिजल्ट दे रहे हो वो फॉल्स है, तो वो बात बनेगी नहीं, इसको हम लोग फॉल्स कहेंगे। लेकिन फॉल्स ट्रू पे माउंट कर सकता है, इसका मतलब ये है कि यदि आप कंडीशन बेसक फॉल्स में, लेकिन रिजल्ट आपने ठीक निकाल लिया, तो उसको हम लोग ट्रू कहेंगे। और इसी तरह से यदि कंडीशन भी फॉल्स है और रिजल्ट भी फॉल्स है, तो फिर तो बात ठीक है, इसको ट्रू कहेंगे। क्यों कहेंगे एक बार फिर से समझ लो, यहीं पे थोड़ा सा मुश्किल होती है भाई, फॉल्स कंडीशन पे फॉल्स रिजल्ट निकलना है तो सही बात है ना। मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि भाई इफ टू इज एन ऑड नंबर देन सिक्स इज एन ऑड नंबर, तो भाई जिस मैथमेटिक्स में टू ऑड नंबर हो सकता है उसमें सिक्स भी ऑड हो सकता है, क्योंकि आपने कंडीशन भी गलत ली और रिजल्ट भी गलत निकाला, तो ट्रू है, सही है फिर तो बात, क्योंकि हम ये जो फाइनल रिजल्ट बोलते हैं ना, इस रिजल्ट के लिए बोलते हैं कि वो किस कंडीशन पर बेस्ड है। जैसे फॉल्स कंडीशन के बेसिस पे ट्रू निकल आया था तो वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फॉल्स के बेस पे फॉल्स निकलेगा तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो और भी ज्यादा ट्रू है, मतलब ये और ज्यादा एग्जैक्ट है रिजल्ट, लेकिन ट्रू फॉल्स पे माउंट नहीं कर सकता। अब बात आती है कि भाई हमारे पास ये बाई कंडीशनल क्या होगा, तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर है, यहाँ इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन ट्रू आती हैं, बाकी दोनों कंडीशन बेटा फॉल्स आती हैं। ये आप लोग लिख लें, मतलब इसमें कोई खास बात नहीं है समझने की, पी ट्रू है इफ पी ट्रू देन फिर क्यू ट्रू, या क्यू सॉरी रहा इफ पी देन क्यू, या फिर मैं वापस क्या कहूंगा, इफ क्यू देन पी, तो दोनों ही बातों में ये ट्रू आएगा, या तो दोनों फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो। भाई जैसे आपने एक पी स्टेटमेंट लिया,
कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, उधर मैं कहता हूं क्यों, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर थ्री अपॉन फोर साइड स्क्वायर। अब मैं इसको बोल दिया कि इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, ये हो गया। तो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, तो इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो ऐसे करके आप दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं इन द व्यू ऑफ कंडीशनल। और बाई कंडीशनल है बेटा, बाई कंडीशनल में क्या कहोगे, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट्स एरिया इज अंडर थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। यदि कोई हमसे कहे कि भाई स्टेटमेंट पढ़ के सुनाओ, तो हम पढ़ के ऐसे सुना सकते हैं कि अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट्स एरिया इज दिस, ऐसे भी बोल सकते हैं, या आई डबल एफ करके भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा बाई कंडीशनल, और ये क्लियर है आपको, बताइए। एक बार और बता दीजिए, फिर से समझ लीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट में होता क्या है कि हम दो स्टेटमेंट पिक करते हैं, उसमें से एक को इफ के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे को रिजल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब हम इंप्लाइज दैट की तरह। हाँ बेटा, इंप्लाइज दैट की तरह। हाँ हाँ ओके, बिल्कुल बिल्कुल उसकी तरह। तो इसमें हमने इफ पी देन क्यू इस तरह से कहा, और ये मैंने स्टेटमेंट बताया। और भी हम लोग एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, जैसे मैं एक और लेता हूँ बेटा, तब और थोड़ा सा क्लियर होगा। मान लीजिए पी मैंने कहा और आपसे कहा एक्स इज ऑड नंबर, फिर मैंने क्यू कहा एक्स पावर फोर इज ऑड नंबर। अब जरा कनेक्ट करना इसको, देखो इफ एक्स इज ऑड नंबर देन एक्स पावर फोर इज एन, एन और लगा लेना सभी जगह, चलो कोई बात नहीं, ये इंग्लिश नहीं है, मैथ है। तो इफ एक्स इज ऑड नंबर देन एक्स फोर इज ऑड नंबर। तो ये बेटा आप मुझे बताओ कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। मान लो मैंने टू दे दिया तो एक्स फोर ऑड नंबर है, ये बात भी कनेक्ट हो गई इससे, भाई कोई भी ऑड नंबर उसकी कोई सी पावर हो ऑड ही आएगी, है ना। अब खुद पढ़ के देखो जरा आप इस स्टेटमेंट को, और रिजल्ट मुझे बताओ क्या लगता है आपको, क्या रिजल्ट लिखना चाहिए, टू लिखना चाहिए, है ना बेटा, टू बता रहे हो ना। यस, लेकिन यहां ये बात समझने की है, देखो ट्रू फॉल्स पे माउंट नहीं करता। मान लो मैं आपसे कह दूं एक्स इज ऑड नंबर और एक्स फोर इज इवन नंबर। अब जरा पढ़ के सोचो इसको, पूरा पढ़ के सुनाओ कि इफ एक्स इज ऑड नंबर देन, मतलब आप जो रिजल्ट बता रहे हो ना वो इसके बेसिस पे बता रहे हो, तो गलत बता रहे हो ना आप रिजल्ट। ये कहना चाहता है वो कि आपने ट्रू कंडीशन लेके रिजल्ट फॉल्स बताया, तो आपकी बात फॉल्स मानी जाएगी, क्योंकि आप पढ़ के देखो, खुद फील करो जरा इस बात को, इस रिजल्ट को फील करो, क्या कहोगे आप अपने आप से कि भाई इफ एक्स इज ऑड नंबर देन एक्स फोर इज ऑड नंबर, तो भाई मैं इस बात को कैसे मान लूं। तो इसलिए ये बात समझ में आई बेटा। यस, इसी तरह से बाई कंडीशनल होता है। बाई कंडीशनल में ट्रू रिजल्ट होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, क्योंकि हमें एलएचएस से आरएचएस लाना होता है और आरएचएस से वापस एलएचएस लाना होता है, प्रॉब्लम ये है। तो जब दोनों ट्रू होते हैं तभी हम लोग ट्रू कह पाते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे। अच्छा, अब इसमें और रिलेटेड कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, लिख लिया आपने, नेक्स्ट पेज पे मूव करें हम लोग। यस सर। देखो इसमें मैं कुछ कंडीशन लिखवाना चाहूंगा आपको। जो कई बार पूछी भी जाती हैं, जैसे एक एक तो आप रूल ये लिख लो बेटा कि P कंडीशनल Q
एक तो ये स्टेटमेंट और एक निगेशन पी और क्यू, ये स्टेटमेंट दोनों इक्वल होते हैं, मतलब हम लोग इनको ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमें एक्चुअली, इक्वल तो खैर हम उसके लिए लिखते हैं जब कोई नंबर हो हमें, अरे यार मैं इसी से कर सकता था, मतलब हमें ऐसे लिखना चाहिए ऐसे करके। ये अपने आप में क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट, एक लॉजिकल स्टेटमेंट, ये दोनों ट्रू हैं। कैसे हैं, मान लो हमें नहीं पता ये वाला रूल, तो हमें बहुत देर नहीं लगेगी इसको बनाने में। ट्रुथ टेबल दो हैं, पी क्यू, यहाँ ट्रू यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स यहाँ फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। पहले इसी को बना लेता हूँ, इफ पी देन क्यू को बना लेता हूँ। आपने यहाँ ट्रू लिखा था, यहाँ फॉल्स लिखा था, ट्रू लिखा था, यहाँ ट्रू लिखा था। बेटा एक आप बना लो निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी क्या होगा, यहाँ फॉल्स होगा टी का, यहाँ भी टी है तो यहाँ फॉल्स होगा बेटा, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू होगा। लेकिन जैसे ही निगेशन पी और क्यू लिखोगे, निगेशन पी और क्यू, तो और का मतलब होता है कि एक भी ट्रू है तो सभी ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का ट्रू आ गया, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स आ गया, ये बात ध्यान रखने वाली थी। ट्रू ट्रू का फिर से ट्रू आएगा और एफ टी का फिर से टी आएगा। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो, मतलब इस कॉलम को देखो, इन दोनों कॉलम्स को देखो बेटा, तो इजीली हम लोग रेक्टिफाई कर पा रहे हैं कि बोथ आर लॉजिकली इक्वल। मतलब हम लोग बोलते कैसे हैं कि दे आर लॉजिकली इक्वल, पर मैं यहां लिखा ही देता हूं यार, बार बार आता है, अ लॉजिकल स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर कनेक्टेड बाय सम कनेक्टर्स कौन कौन से, जैसे एंड और इफ देन और इफ एंड ऑनली इफ और निगेशन, ऐसे लिख लो बेटा। तो अलॉजिकल स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर कनेक्टेड बाय सम कनेक्टर्स, दैट इज एंड और इफ देन और इफ और निगेशन, ठीक है। एंड यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एस, कुछ ऑथर इसको से टी से भी दिखा देते हैं, लेकिन टी छोड़ो, सॉरी टी नहीं, डी से दिखा देते हैं, डी से, लेकिन एस ज्यादा चलता है। यदि हमें मल्टीपल लॉजिकल स्टेटमेंट दिखाने होते हैं तो हम S1 S2 ऐसे करके ग्रेडिंग कर लेते हैं, ज्यादातर एस ही दिखाते हैं 12th के लेवल पे, एस से हम लोग दिखा देते हैं। तो मान लो ये मेरे लिए S1 था और ये मेरे लिए S2 है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, S1 इज लॉजिकली इक्वल टू S2। भाई हम इक्वल जो लगाते हैं ना वो नंबर्स के बीच में लगाते हैं कि भाई 5 = 3 + 2, ये तो ठीक लगता है, लेकिन बाकी सब में हम लोग इक्विवेलेंस लगाते हैं। तो ये ऑपरेशन क्लियर हुआ बेटा आपको सबको अच्छे से? हाँ, यस तो सर, क्यू के लॉजिकल आगे स्टेटमेंट नेगेशन नहीं है है बेटा, सर, क्यू के आगे नेगेशन नहीं है। क्यू के आगे नहीं है बेटा नेगेशन, ये नेगेशन सिर्फ पी के आगे है, जैसे हम लोग पी कंडीशन क्यू करें तो ये नेगेशन पी के आगे है सिर्फ, ठीक है। और ना ही यहां पे ब्रैकेट है बेटा, ये भी ध्यान रखना, ये निगेशन पी देन और क्यू, क्लियर बेटा आपको ये बात? यस सर। और एक मैं और लिखाऊंगा इसके लिए अभी, नेक्स्ट शीट पे मूव कर रहे हैं बेटा हम लोग।
बाय कंडीशन में भी एक दो प्रॉपर्टी हैं, वो भी आप लोग लिख लीजिए, ये कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं। एक ही लिख लो बेटा, ये मैं पी बाई कंडीशनल क्यू, और इसको भी हम लोग फर्दर यदि बाई कंडीशनल आर कहते हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, मतलब एसोसिएटिविटी हम लोग इसको कह सकते हैं। आर, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, ये बाई कंडीशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, इसे आप लर्न कर लीजिए, पी बाई कंडीशन क्यू फिर आर, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये दोनों इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें बेटा हम लोग दो तीन ऑपरेशन हैं कंडीशनल के लिए, वो जरा मैं लिखवा दूं आपको। एक का नाम तो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है अपने आप में, कॉन्ट्रा कंडीशन या कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंडीशन। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता क्या है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। हमारे पास एक कंडीशन है, मान लीजिए पी, इफ पी देन क्यू, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इफ पी देन क्यू, ये बहुत आता है बेटा लिखने के लिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ एबव कंडीशन इज गिवन बाय देखो, इसको समझते हैं ध्यान से, नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, इफ नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम लोग प्लेस पर इंटरचेंज करते हैं और दोनों का नेगेशन ले लेते हैं। एक स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन ऑल ऑफ द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये तो स्टेटमेंट मान लीजिए यहां पे हमने लिखा है इफ पी देन क्यू के लिए, तो इसका वो आपसे पूछेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, मतलब एक स्टेटमेंट वो आपको देगा और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमसे पूछेगा, तो बिल्कुल भी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम पहले जाएंगे देन के आगे। ओ यार, यहां पे दैट लिख दिया हमने, यहां हम लोग लिखते थे देन, तो हम देन के आगे जाएंगे, उसको पहले ले आएंगे और उसको इफ के साथ लिखेंगे, निगेशन लिखते हुए क्या लिखेंगे, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर नॉट इक्वल। देखो ये लिख दिया हमने, ये पहली बात तो देन के आगे वाला स्टेटमेंट पहले लिखा और निगेशन के साथ लिखा, फिर जो इफ वाला कंडीशन था वो हम लोग देन के साथ लिखेंगे और उसका भी निगेशन लिखेंगे, ट्राइंगल इज नॉट। तो इसका मतलब बेटा स्टेटमेंट नहीं बदला, मतलब जो उसकी उसका रूट था, जो उसकी बेस थी, जो उसकी थीम थी, वो नहीं बदली। पहले भी आप यही कहना चाह रहे थे, बस आपने इस बात का कॉन्ट्रा लिखा है, मतलब है वो, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, हम कॉन्ट्रा तो कर रहे थे, हम बदल तो रहे थे उसकी बात को, लेकिन वो रहा पॉजिटिव, मतलब वही रहा जो आप पहले कहना चाह रहे थे, बस आपने जैसे एक्टिव पैसिव होता है ना कि भाई हम बात तो दोनों में एक ही कह रहे हैं, फिर एक्टिव पैसिव बनाने की जरूरत क्या पड़ी।
क्योंकि हम किसी बात को हमेशा दो तरह से कह ही सकते हैं. तो ऐसे ही कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन ऑल ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, या भाई अगर जो तीन साइड इक्वल नहीं होंगी तो मैं ट्राइंगल को इक्विलेटरल भी नहीं कहूंगा. तो थीम तो एक ही है बेटा, क्या कहते हो? यस सर. है ना. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप इफ पी देन क्यू में जाते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, दोनों का निगेशन लिखते हैं और कंडीशन को एज इट इज रखते हैं, उसको कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव. ठीक है. यस सर. तो बेटा आज अब हम लोग 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं और 5:45 पर हम लोग फिर से शुरू करेंगे. आज थोड़ा 5:45 से 7:15 तक रहेगी क्लास आपकी सेकंड वाली, तो आप ध्यान रखें आज 6 से शुरू नहीं है, आज पहले ही 5:45 से हम लोग शुरू कर देंगे. ठीक है बेटा. ओके तो मैं आप सबको 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट्स ओनली. थैंक यू बेटा. थैंक यू.